छात्र छात्राएं कैसे हो सब लोग? घर पर ठीक है ना? चलो बच्चों, आज हम जो पिछले वीडियो कक्षा में किया हुआ ध्वनि कविता के तीसरी पंक्ति के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। कविता का नाम है ध्वनि। कविता का नाम है ध्वनि। कवि आप लोगों को मालूम है सूर्यकांत त्रिपाठी। त्रिपाठी निराला। ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो इस कविता के पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति को देख चुके हैं। अभी हम देखना है तीसरी पंक्ति को। तीसरी पंक्ति को मैं यहां पर लिखता हूं, कुछ ध्यान से देखिए। पुष्प पुष्प से पुष्प पुष्प से तंद्रालस तंद्रा लस ललसा लालसा खींच लूंगी मैं, लालसा खींच लूंगी मैं अपने नवजीवन का जीवन का अमृत अमृत सहर्ष अमृत सहर्ष सींच लूंगी मैं, सींच दू सींच दूंगा मैं द्वारा दिखा दूंगा फिर उनके द्वारा दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत अभी न होगा मेरा अंत। इस तरह कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस तीसरी पंक्ति को लिखा है। फिर मैं पढ़ता हूं, ध्यान से देखिए। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगी मैं अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं द्वारा दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत अभी ना होगा मेरा। इस तरह कवि लिखा है। अभी देखेंगे कुछ प्रश्न जो शब्द के अर्थ देखेंगे। इसका मतलब होता है शब्दार्थ। शब्दार्थ पहला वाला पुष्प। पुष्प का मतलब है फूल। दूसरा तंद्रालस। तंद्रालस इसका मतलब है नींद से अलसाया हुआ। नींद से अलसाया हुआ
हंसाया हुआ और लालसा, तीसरा है लालसा। लालसा का मतलब है अभिलाषा। क्या है? अभिलाषा। और इच्छा इस तरह इसका मतलब होता है। चलो बच्चों अभी हम देखेंगे इस तीसरी पंक्ति का भावार्थ, जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस तीसरी कक्षी में क्या बताना चाहते हैं, तीसरी जो पंक्ति में क्या बताना चाहते हैं अभी देखेंगे। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि सोए रहने वाले प्रत्येक पुष्प यानी युवा की नींद भरी आंखों से आलस हटाकर। इसका मतलब है कवि ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति से रहने वाले फूल के पौधों, जो फूल कलियां होते हैं ना, वह कलियां जो तंद्रालस जो नींद से सोए होते हैं, उन लोगों को जो उसी तरह युवक रहते हैं, उन लोगों को नींद से जगाने के लिए प्रत्येक पुष्प यानी युवक की नींद भरी आंखों से आलस हटाकर, उन जो लोगों के आंखों में नींद होती है ना, उस नींद को हटाकर जागरूक बनाना चाहते हैं। जागरूक मतलब उनको उस नींद से जगाना चाहते हैं। कवि उन पुष्पों को हरा भरा रखने के लिए उन्हें अपने नव जीवन का अमृत से सिंचाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि कवि आपने जो युक्ति से, जो अपनी सोच से ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों के हरा भरा जीवन, देखो प्रकृति में हरा भरा होता है ना, हरा भरा देखने से मनुष्य को शांति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है, उसी तरह उनकी जिंदगी उसी तरह होती तो अच्छा होता है, यहां सोचकर इस तीसरी पंक्ति में कवि बता रहा है। और ये भी कह रहा है कि कवि के जीवन में अभी वसंत का आगमन हुआ है। कवि के जीवन में अभी वसंत का आगमन हुआ है, उनका अंत बहुत दूर है, उनका अंत अभी बहुत दूर है। जो युवक नींद से जाते हैं तो अंत नहीं होता, शुरू होता है, वहां से प्रयास करने शुरू करते हैं, काम करते हैं, कामयाब होते हैं, वही शुरू होता है, अंत नहीं होता है। इसीलिए उनका अनंत बहुत दूर है, अभी उन्हें बहुत सारे काम करने हैं। कौन? युवकों को, जो अभी नींद से जागे हुए हैं ना, उन लोगों को बहुत सारे काम करने हैं, साधन करने हैं, इसीलिए अंत नहीं होता है, अंत शुरू होता है। इस तरह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता में बता रहे हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस ललसा की चुनूंगी मैं, जो नींद से रहने वाले आदमियों को जगा दूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, उन लोगों को नई जिंदगी दूंगा मैं, द्वारा दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां आनंद। मैंने उनको समझाऊंगा कि आप नींद से उठ जाओ, नींद से उठकर अपना काम करो, प्रयास करो, साधना में डूब जाओ, अपनी हरा भरा जिंदगी आप लोगों को मिलेगा। इसी तरह इस कविता में कवि कह रहे हैं कि अभी अंत नहीं होता है, अभी शुरू होता है। इस तरह कवि इस ध्वनि कविता तीसरी पंक्ति में बताया गया है। चलो बच्चों अगली वीडियो कक्षा में आप लोगों को जो प्रश्न उत्तर के बारे में बता देता हूँ। धन्यवाद।